मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। नागौर अजमेर राज्य राजमार्ग का कार्य पूर्ण किए बिना ही की बात हुई है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी अगर उसका राज खुल जाता तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। नारायण बेनीवाल रिकॉर्ड नहीं होगा। नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण बेनीवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चैंबर में आइए, चैंबर में आइए, मैं चैंबर में आइए। या नहीं, या नहीं, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बात अच्छा लगता है, मैं बाहर निकाल लूंगा। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवाई जाती है तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च 2020 विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते समय प्रदेश के राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी, उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर पुनः टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया, जो अनवरत जारी है। प्रदेश में अधिकांश जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पीपीपी मॉडल पर बनी सड़कें जगह जगह से टूटी हुई एवं टोल नाकों पर तय मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। नागौर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण किए हुए बिना ही पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेड़ता की लोक अदालत ने इसे बंद करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आज भी टोल वसूली का कार्य बंद नहीं होकर लगातार चालू है। सड़कों पर कहीं पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और न ही किसी तरह की कोई सुविधा है। पेचिंग का काम चलाकर सड़क को ठीक करने के नाम पर मेज औपचारिकता कर दी जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का कार्य तुरंत बंद करके प्रदेश के राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर कुचामन खाटू तरनाऊ भोपालगढ़ आसू उपसंकवास खजवाना कुचेरा सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। विधानसभा में जाने और मार्च पता लगा यहाँ पर ध्यान नहीं जाने दिया जा रहा असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा असेंबली में जाना चाहते हैं लेकिन असेंबली के अंदर वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो लाल डायरी लेकर आए और लाल डायरी ही उन्होंने विधानसभा में लड़ाई। आप देखिए।